गाइस, हे एवरीवन। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टी, ब्लैक टी। ऑब्वियसली ब्लैक टी हो रहा है, हो भी गया। उसके पहले मैंने यहाँ पे किचन में जो भी सामान था ना, मेरा चम्मच वगैरह जितना है, तो वो सब धो के मैं रात में ही रखती थी। तो बस यही बात है। तो अभी पियेंगे ग्रीन टी, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत अच्छे से हो एंड सब बहुत स्वस्थ हो, तो यही कामना करते हैं। तो अभी बज रहा है सुबह का 6 और मैं आज सुबह उठ के सारा घर में जितना कैंडल था वो जलाए। तो कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है ना कि पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस वैसे ही, तो आज मूड हुआ तो किए, एंड वो जो भी कैंडल वगैरह जो भी था, तो कुछ मीशो से आया है, कुछ अमेज़ॉन से आया था। तो बस ऐसे ही, मतलब अच्छा लग रहा था। छुट्टी का दिन है, तो आज एक्चुअली सैटरडे है और छुट्टी भी है। ऐसे तो बेसिकली यहाँ पे स्कूल सैटरडे जो होता है स्नेहा का, वो कारमेल में पढ़ती है, तो कारमेल स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है। तो आज छुट्टी है, ऐसे छुट्टी नहीं रहता है, तो आज छुट्टी है, तो वो आज सो रही है। एक दिन मौका मिला सोने का, तो यही बात है। और मैं और कैमरा के पीछे मेरे हस्बैंड चाय पी रहे। एक्चुअली उसका चाय पीना ख़त्म हो गया, तो बापी इति केशो एक टू। सो देखिए उनका कप और मेरा कप। गुड मॉर्निंग। तो I already finished. आप बहुत सोए हैं, और उसको देख के पता चल रहा है कि हाँ आज बहुत सोए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम सुबह सुबह है, तो सोच रहे हैं कि मतलब जैसे नींद खुली गया है, तो चलिए थोड़ा घूम के आते हैं। ऐसे वेदर भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम के आते हैं। पहले अपना चाय फिनिश करता है। एंड घूमना मतलब गाइस, थोड़ा सा जाएंगे लॉन्ग ड्राइव, और स्नेहा भी सो रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो सोए अभी। और हम लोग जाके थोड़ा सा मार्केट जो होता है, तो वो करके ले आता है। अगर फ्रेश कुछ भी मिलता है तो आपके साथ शेयर करेंगे, मतलब साग सब्जी है ना बपी, कोई भी वेजिटेबल्स हो, एक्चुअली फिश वगैरह कुछ भी मिलेगा। ऐसे तो सैटरडे हम लोगों का टोटली वेज है, फिश नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ले आएंगे, फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे, यही बात है। तो संडे या तो मंडे हो जाएगा। सो लेट फिनिश, इसको ख़त्म करते हैं। एंड उसके अभी यहाँ पे स्नेहा सोई हुई है आराम से, से डिस्टर्ब नहीं करते। तो बैठ गया गाड़ी में और अभी जाने बस स्टार्ट करेंगे। तो ले लिए मास्क एंड पानी का बॉटल, जो ज़रूरत होता है बस सुबह सुबह, और कुछ नहीं। ऐसे ही थोड़ा सा बाल झाड़ लिए हैं, एंड ये जो है ये एक न्यू ड्रेस है, तो आया था, तो ये बहुत कंफर्टेबल है,
तो बस यही पहन के जा रहे हैं, तो चलिए रास्ते में मिलते हैं क्या पापी? एकदम। सो चलिए लेट्स गो। अच्छा लग रहा है ना, एकदम नेचुरल हवा, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है ना, अच्छा हवा दे रहा है, वाओ। सो फ्रेंड्स देखो कहाँ पे आ गए, चारों तरफ ही ट्री और ट्री, हरियाली और हरियाली, कितना अच्छा लग रहा है एंड इतना अच्छा हवा दे रहे हैं कि क्या बताएं। इंसान तो भूल ही गए हैं आजकल ना ये सब नेचर के साथ मिलना, यही जो ऑक्सीजन होता है इतना अच्छा लगता है कि क्या बता रहे हैं। मतलब काफ़ी देर से यहाँ पे टहलने के बाद, थोड़ा सा बैठने के बाद, उसके बाद कैमरा ऑन किए कि नहीं, हम तो भूल ही गए कि हम तो सुबह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोगों का भी तो हक बनता है ना देखना। तो गाइस ये कैसे भूल सकती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ ये जगह, बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ। और बापी को देखिए, बापी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलिए, कैसा लग रहा है? हवा का आनंद ले रहे हैं। आप ही से तो मैंने सीखी है कि प्रकृति ऐसा चीज होता है जो इंसान को हर दुख दर्द तबीयत सब कुछ ठीक कर देता है। हवा का आनंद ले रहे हैं खाली, ये हवा नहीं मिलता है, ताजी हवा का आनंद बहुत भाग से मिलता है। आप लोगों ना मैं एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। हाँ जाएंगे, इतना पेड़, इतना सुंदर लग रहा है और ग्रीन एकदम चारों तरफ, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सही में बहुत फ्रेश फील हो रहा है। एंड बहुत ऊपर ऊपर में है बहुत सारा, आप लोग हो सकते कि पंछी का आवाज़ सुन रहे हैं, है ना, तो मैं उसे कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन दूर दूर तक इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लिए, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, आजकल तो इंसान भूल ही गया है सब मॉल, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह ये सब में, लेकिन ये जो नेचर, जो मेन प्रकृति है, जो मेन इंसान का जीने का एक रहस्य है, यही भूल जा रहे हैं। मैं आज आप लोगों के साथ इसी का ही परिचय कराने के लिए आई हूँ एंड खुद भी आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। गाइस कभी भी आपको ना मौका मिलेगा तो आप लोग प्लीज़ इस नेचर के साथ कभी मिलिए, घूमिए, बहुत फ्रेश फील होगा सच में। आज मेरा फीलिंग्स जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, होप आप समझ रहे होंगे कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये है मेरा न्यू एक ड्रेस, तो बस बहुत देर तक रुके और रुके पर जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सही में गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। पर हाँ थोड़ा सा मार्केट भी करना है तो जा रहे हैं, और ऐसे पहला किरण सूरज का इस तरह से छू रहा है और एकदम मतलब धूप वैसा, जो बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। कल के ले रही हूँ, देखिए उधर पहाड़ इतना अच्छा लग रहा है एंड आसमान देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी फिर से जा रहे हैं, थोड़ा सा रुके थे क्योंकि ये नेचर देखने के बाद ना कोई भी रुक जाएगा, मैं क्या। अच्छा लगा ऐसे सुबह सुबह और कुदरत की करिश्मा, बाप रे बाप अनोखा। सुबह आके फिश नहीं मिला इट्स ओके, लेकिन थके नहीं, बहुत फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा सब्जी लेके घर जा रहे हैं, वो भी अच्छा लग रहा है।
तो अभी फ्रेश मशरूम लेके घर जा रहे हैं। वाह, एकदम फ्रेश फ्रेश अभी ताजा ताजा सब्जी मिल रहा है। यहाँ के किलो के हिसाब से होता है साग भी। बहुत सामान हो गया, बहुत सब्जी हो गया, बहुत ताजा ताजा सब्जी लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सुबह सुबह उठ के ना आते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा सब्जी लिए एकदम। साग यहाँ पे ना किलो के हिसाब से दे रहा है, लेकिन फ्रेश साग है। हाँ, फ्रेश साग है। और मशरूम भी मिला फ्रेश एकदम, इतना नरम वो भी मिला। जो भी हो, आना मतलब बेकार नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। रामकृष्ण मिशन तो बंद आज बोला। हाँ, अभी तो आज तो छुट्टी है। हाँ, लेकिन मैंने ना ब्लॉग बनाए थे इसका, बहुत अच्छा। और ब्लॉग बनाए थे ऐसे, अपना भी घूमने के लिए बहुत बार आए, बहुत सुंदर है। कभी भी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ फिर एक बार शेयर करेंगे। भूख लगा है तो हम तो दिए खाने, हम तो दिए खाने तो दिए अभी नहीं दिया है, हम तो दिए हैं बाबू। अच्छा लो, और लो और जाओ खा लो, ठीक है। तो अभी खड़े हैं कचौड़ी की दुकान में, तो बस नाश्ता लेके जा रहे हैं। स्नेहा भी घर में है और बहुत सारा छोटा छोटा जो बच्चा है तो आए हैं, मतलब कुछ दीजिए खाने के लिए, भूख लगा है ना, खराब लग रहा है एकदम रोके रोके। तो फिर वो वीडियो मैं कैप्चर नहीं की हूँ, और वहाँ पे बापी सबको, मतलब चार पांच बच्चा था तो सबको एक प्लेट करके कचौड़ी सबको दे दिया। तो अच्छा लगा कि किसी का पेट भर गया, तो और किसी किसी को मतलब पैसा दे दिया, ठीक है। तो फिर से देखिए, फिर से आया है ये लोग, फिर से खा रहा है बार बार करके। तो बापी है ना, बापी ये सब वीडियो कैप्चर नहीं किए, अच्छा नहीं लगता है ना किसी को देने के बाद, किसी को लेने के बाद देना ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, किसी के मदद करने, मदद करके जो वीडियो बनाता है ना कि हम ये किए वो दिए, वो अपने आप को शो कर रहा है, वो अपने आप को शो करता है। ऊपर वाला भी जानता है, इससे ना बहुत गुस्सा जाता है। कभी भी शो करना मुझे तो पसंद नहीं है ये सब। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कचौड़ी लिए, चाय पीजिएगा क्या आप, इसलिए खड़े हैं पहाड़े दुकान में चाय पीजिए। तो यहाँ पे कचौड़ी हो रहा है, गरम गरम निकालेगा और फिर बोल दिया आपके लिए गरम गरम। तो बस वही बात है। एंड चार पांच बच्चा जो खाया, लेके चल जाएंगे फिर। हाँ, चार मजा नहीं पाएगा, मतलब कुछ भी अच्छा काम करते हैं ना तो अपना मन को शांति मिलता है। तो सब बच्चा लोग मतलब बहुत पेट भर के खाया, और उसका फेस का जो हंसी मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो बस यही बात है। हाँ, अभी जो कचौड़ी लेके आया है ना, तो वो स्नेहा अभी सर्व करेगी है। सारा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड ये है दही। दही बहुत अच्छा होता है। एंड मेरा अभी सुबह सुबह आ गया था पार्सल, तो स्नेहा रिसीव कर लिया इसे। बहुत सारा नेल पॉलिश आया है। हाँ, ये नहीं दिखाया है, मशरूम। आप कोल्ड ड्रिंक्स जो लाए आपके लिए दिखा? हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी लाए। यही सब लेके आए। एंड इधर में इस रूम में रखे है कॉपी, फुल कॉपी, यही जो फूलकोपी यहाँ पे है। और चिकू मिकू को खोल देंगे अभी, जोर के आएगा ओले बबुले ओले बबुले ओले बबुले ओले बबुले ओले बबुले ओले बबुले, अभी दौर के आएगा देखिएगा। ये चैनकोल पे आज कौन नहाएगा? ये जो वाव शैम्पू, वाव शैम्पू छे कौन नहाएगा? ना चिकू जो छाप हो गया ये जो अच्छा अच्छा छाप कर देते हैं, चिकू को अच्छा अच्छा छाप कर दे। कितना टेस्टी हुआ मैगी? टेस्टी हुआ? टेस्टी। लंच वगैरह हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एंड अभी आया है मेरा दो पार्सल। लो, ये जो कुर्ती है कितना अच्छा है ना, ऑरेंज एंड व्हाइट में, कितना डीप कलर का, प्योर कॉटन का है, बहुत आराम है। तो ये कुर्ती एक आया है, एंड ये आया है, एक ज्वेलरी आया है कान का। सो बहुत सुंदर है ना।
गुड इवनिंग गाइस, थोड़ा सा आवाज हो रहा है, मॉल के अंदर जाते हैं, आए हैं थोड़ा सा आए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और इवनिंग का टाइम अभी स्नेहा को भी लेके आए हैं। चलिए अंदर चलो। कितना शाम था, रास्ता एकदम भीड़ नहीं था, अभी देखिए कितना जैम है, सब बहुत देर से जैम। तो चलिए अभी चलते हैं बिग बाजार। रास्ता कितना जैम है, बाप रे बाप, सुबह में कितना एकदम, कल बहुत बड़ा त्योहार है ना, पूर्णिमा खत्म होगा ना, और इतना जैम नहीं, शाम के टाइम तो ऐसे मतलब नहीं, नहीं, जाता कल है। कल झारखंड तू 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 तारा फंस गए हम बेचारा। तो बस हो गया, जो भी आए लेने के लिए हो गया। अंदर इतना भीड़, बाप रे बाप, बाकी अभी बिलिंग काउंटर में है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत भीड़ है गाइस, तो इसीलिए हम लोग बाहर आ गए हम और स्नेहा। ओके तो गाइस, अभी घर आ गए हैं और क्या क्या लिए हैं आपको दिखाते हैं। और जितना भी सामान लिए हैं सारा चीज़ साइला का ही है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा अब हम दाम बोलेंगे तो बोलते हैं, कोई बोलता है कि इतना दाम बोलते हैं, दिखावा करते हैं, अब नहीं बोलते तो बोलते हैं कि आप कॉस्ट नहीं बोलते हो, सो क्या करें। तो ये है कुछ ऐसे साइला कंपनी का, नाम तो आप लोग सभी जानते हो। तो बस ये है थ्री क्वार्टर्स पैंट है, तो ये है 500 करके, ठीक है। एंड ये भी एक टॉप है ब्लैक कलर का, सो इसका प्राइस कितना लिया ये, ओके ये है 640 का। ये भी लिए है वही 500। एंड देन आई थिंक नहीं, एंड ये है आपका 900 करके, ठीक है। तो ये बहुत कंफर्टेबल भी है, सो यही बात है, तो बस। और वहाँ से रोटी वगैरह खरीद के लेके आए हैं, कुछ बनाएंगे खाएंगे, सो यही बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग फिश लवर फिर आ गए हैं, और बरसात के समय हिंसा फिश नहीं खाएंगे, ऐसा हो सकता है? बंगाली और हिंसा नहीं खाए, तो इसीलिए आ गए हिलसा लेने। तो देखते हैं साथ में उसके साथ क्या 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 है, कैसे कैसे क्या मिलता है। तो अभी तक तो मतलब आए हैं, तो बस देखते हैं। तो चलिए, जो भी लेंगे जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इतना भीड़ था शाम के टाइम, और अभी देखिए सुबह, एकदम सुबह सुबह का नजारा देखो, रास्ता एकदम फाका, कितना अच्छा लग रहा है। ये है तिवारी चौक, तो आए हैं, ये ताजा फिश मिलता है, हिलसा फिश देखिए मेरे हाथ में है बाकी, तो जिसको भी लेना है तिवारी चौक में आ जाइएगा, वैरायटीज मछली मिलता है यहाँ पे, जो भी मधुपुर देवघर से हो तो हम आपको बता दे रहे हैं, तिवारी चौक में आ जाइएगा, मिल जाएगा। अच्छा, ये लोकल तालाब का मार खिलाए, भेटकी भी कलकत्ता वही से लाते हैं, पावदा नहीं खिलाया गया, पावदा ऑर्डर किए थे, थोड़ा रेट था, उसको वैसे नहीं मंगाया, आगे संडे मिलेगा, आगे संडे मिलेगा ना, लोके पावदा सारा अभी गुड्डू भैया अभी हिलसा और पापदा हम लोगों को अभी दे रहे हैं, है ना भैया, हिलसा और पंपलेट दे रहा है ना भैया। आप लोगों को किसी को भी फिश लेना हो गुड्डू भैया के यहाँ पे आ जाइए तिवारी चौक में। तो अभी हिलसा और पंपलेट लेके आए हैं, तो यही सब होगा, और बापी अभी जाएगा मार्केट, तो आप अभी मार्केट जाइएगा, ठीक है। आज का मेनू क्या आती हूँ, आज का मेनू है
हिलशा मछली का झोल जो बेगन देके होता है, गुड गुड, मंगरेला और मिर्चा देके बहुत अच्छा, तेल तो खाने बहुत अच्छे लगेगा। ठीक है, कॉम्प्लीट माछ का जो एकदम गावा का आप जो बोलते हैं तेल, वही मैंने आपको प्याज लहसुन अदरक देके जो बनाते हैं आप लोग, प्याज लहसुन अदरक देके, और हिलशा मछली भापा हिलशा होगा, और पुई शाक लेके आएगा जो हिलशा मछली का माथा देके करेंगे। इतना सा रेसिपी होगा आज, ठीक है, अरे बाप संडे का, अरे बाप। लेकिन गाइस हम ना खाना बनाना शेयर नहीं कर सकते, तो ब्लॉग बहुत जल्दी मैंने बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शनिवार रविवार दोनों मिला के हो रहा है, और शाम को जाएंगे कुछ कुछ नया का पसंद था तो वो सब लेने के लिए जाएंगे, फिर आज बिग बाजार जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है, तो झटपट से पहले मैं मछली को धो लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। दे रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसमें ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है, बस भापा हिलशा देने के लिए कुछ लगता भी नहीं है। नमक है, सरसों पीस दिए हैं मेरे हस्बैंड, यहीं पे मिर्चा भी है, एंड बस। एंड गाइस भापा इन मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, और मैं अभी थोड़ा सा हल्का फ्राई हो जाएगा तो पानी दे देंगे, थोड़ा सा हल्का उबाल आ जाएगा एंड फिश को दे देंगे। तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पे जितना ऐसे चॉप किया हुआ मसाला है, प्याज लहसुन टमाटर अदरक, तो सारा चीज यहाँ पे दे दिए, एंड इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा। जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई तेल नहीं छोड़ देता तब तक बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, एंड उसके बाद पानी देंगे, हल्दी देंगे, नमक देंगे स्वाद अनुसार, एंड ये जो कॉम्प्लेट मछली है इसको देंगे, और ये मतलब बहुत झोल झोल टाइप का जो होता है ना, ज़्यादा वो नहीं, मतलब ऐसे मछली से ऐसे खींच के ऐसे करके जो खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हल्दी और नमक भी मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एंड थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर दे रही हूँ, तो बस यही बात है। और सारा मसाला को फिर से एक बार अच्छी तरह से फ्राई कर देते हैं, जब तक इसका कच्चापन चले नहीं जाता है तब तक इसे गैस को सिम कर। इधर जो भापा हिलशा है तो वो हो गया है, एंड ऊपर से मैं थोड़ा सा कच्चा मिर्च को ऐसे ही चीर के दे रही हूँ, तो इसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इधर में जो पॉम्पलेट मछली है इसका झोल जो है ये हो गया है, तो अभी फिश जो भजा हुआ है तो इसे मैं दे दूँगी इसमें, तो बस ये थोड़ा सा खींच लेगा अपने से ही, ऐसे ही गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा हो गया, एंड इधर में पुई शाक हो रहा है, मतलब जो सब्जी है वो हो गया है ऑलमोस्ट, एंड अभी जो ये जो मथा है जो हिलशा का उसको उसमें दे दूंगी। अभी कढ़ाई गरम और कड़वा तेल दिए, मतलब मस्टर्ड ऑयल, तो अभी दे रहे हैं काला मंगरेला, साथ में दे देंगे थोड़ा सा नमक, एंड साथ में कच्चा मिर्चा भी दे देंगे, बैगन जो भूज के रखे थे तो वो भी इसमें डाल देंगे। हिलशा मछली देखे जो पुई शाक है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, यहाँ पे माँ गंगा की तरह एकदम पानी डाल देते हैं। ये पतला झोली होता है और कुछ नहीं लगता इंग्रेडिएंट्स इसमें, बस काला मंगरेला, बैगन, मिर्चा एंड दैट्स इट, ना हल्दी। लंच में क्या क्या हुआ, ये हिलशा का झोल बेगन देके, कच्चा मिर्चा देके, ये है पॉम्पलेट फिश का झाल, ये है भापा इलिश, ये है हिलशा माथा देके पुई शाक का चौचुरी, एंड ये है हिलशा मछली का तेल, ये गरम चावल के साथ खाएंगे,
बहुत अच्छा लगता है। हॉट डॉग का एंजॉय ले रहे हैं, बहुत भीड़ है गाइस, बहुत आवाज आ रहा है एंड सब टेस्ट का ऐसे डोनेट पेस्ट्री कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं याद है। हेलो फ्रेंड्स, सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्नेहा बोलो गुड इवनिंग। सो अभी हम लोग फिर से निकले हैं, सैटरडे और संडे घर में रहेंगे ऐसा होने सैटरडे संडे हम लोग परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ एंजॉयमेंट जो हर समय ऐसा होगा कि खरीदना ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कल देखे थे बहुत अच्छा लगा, क्या कंपनी का स्नेहा साइला, हाँ साइला कंपनी का कल आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो आज भी जा रहे हैं बिग बाजार, कुछ सामान है लेंगे। सुबह भी गए थे देवघर तो स्नेहा तब सो रही थी और फिर से प्लस अब फिर से कल रेगुलर लाइफ, तो फिर एक न्यू दिन के साथ हम लोग फिर से आएंगे न्यू ब्लॉग के साथ, फिर सैटरडे शनिवार घूमने भी जाएंगे। हाँ सैटरडे शनिवार घूमने जाएंगे और ऐसे सोमवार मंगलवार जैसे रेगुलर लाइफ होता है इन लोगों का, स्कूल है ड्यूटी है मेरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एक न्यू दिन के साथ और न्यू ब्लॉग के साथ आएंगे। आज मैं विदाई लेती हूँ आप लोगों से, सो टाटा बाय बाय गुड नाइट टू ऑल, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपना फ्रेंड्स फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे बहुत दुआ दीजिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिए, दुआ दीजिए क्योंकि दुआ के सिवा और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सो टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल, लव यू टू ऑल। Oh,